हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोगों ने कंप्लेन किए हैं कि ये जो म्यूज़िक मैं डालता हूँ तो थोड़ा डिस्टर्ब करता है वॉइस को रिकॉर्ड ढंग से सुनने के लिए। आज मैं म्यूज़िक नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं हाईवे का बिल्कुल पास में हूँ, तो दिन का टाइम मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो काफ़ी सारे नॉइज़ गाड़ियों को आ जाती है। उसको थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए मैं हल्का फुल्का म्यूजिक डालता हूँ, लेकिन आज देखते हैं, आज मैं म्यूजिक ऐड नहीं करने वाला हूँ, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं आज की वीडियो जो है वही ह्यूमन फिगर ड्राइंग का जो चल रहा था हमारा, उसी को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। पिछली बार मैंने जो बताया था वीडियो में, जो ग्लास के फॉर्म ग्लास बनाना है, आपको पता है ग्लास के फॉर्म बनाना है, और मैंने ये कहा था कि ये जो ग्लास बनेगी ये पहले बेस जो है हम बेस से भी कर सकते हैं, और ये इसको जितना बनाएंगे और उतना बना के बेस को उतना ही चौड़ा करेंगे। मतलब बेस अगर इतना है इसका डबल होना चाहिए, ये पार्ट हमें समझ में आ गया होगा। और एक कोल्टी, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ, आपको रिपीट भी हो जाएगा, ये आपके लिए अच्छी रहेगी। और ये जो लाइंस वगैरह मैं खींचता हूँ, ये ग्लास हो गया, इसका एक उल्टा ग्लास मैं कहा था सेम उतना ही, और एक ग्लास बनाएंगे यहाँ। ये मान लीजिए इतना लिए तो इसका डबल, जस्ट डबल लेंगे, ये इतना हो गया एक का और ये हो गया दो, तो इतना में और एक ग्लास बनाएंगे। नीचे और ऊपर का ग्लास दो है, और इसको मैं गोल इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि ये ग्लास का ड्राइंग है। और इसका प्रोपोर्शन देख लीजिएगा, बहुत चौड़ी नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ी सी ही फ़र्क होना चाहिए। देखिए ये अगर मैं इसको दोनों को पैरेलल करता हूँ तो फ़र्क कितना है, इतना ही है, तो फ़र्क इतना ही होना चाहिए, नहीं तो ये ग्लास इस तरह से नहीं बन जाना चाहिए कि ये हो गया और ये हो गया, ये गलत है, ये वाले ग्लास का ड्राइंग गलत है, और ये सही है, ये सही है, क्योंकि इसका ये जो लेंथ है, इसका वेट है, ये उसका जो हाइट का आधा है, तो ये प्रोपोर्शन हमें दिमाग में रख लेना चाहिए। तो जब भी मैं बनाता हूँ तुरंत, तो मैं मुझे पता है कि कितना होना चाहिए, तो आप भी ऐसा ही एक ग्लास आराम से बना सकते हो। मैंने अभी अंदाजे से ये बनाया है, तो आप ये अंदाजा से बना सकते हो, और ये प्रोपोर्शन आपको दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि ऐसा होना है ड्राइंग को। तो ये हो गया, ये जो ऊपर वाली भाग है मैंने बताया था ये एक नंबर है, मतलब ये अपर बॉडी है, और ये दो नंबर जो है ये लोअर बॉडी है। हम इसको आज थोड़ा सा रिफाइन करेंगे आज, ये ड्राइंग आपका दिमाग में होना चाहिए। और फिर मैंने ये बताया था कि इसमें हमें कंधा जोड़ना है, तो कंधा डायरेक्ट यूँ और यूँ, आप ये इसको एक्सटेंड नहीं करना है, एक्सटेंड और नहीं करना है, ये सही तरीका है, ये सही तरीका है। मैं इसमें आपको क्रॉस और राइट का सिग्नेचर देखे बता दिया है। तो ये ग्लास का ड्राइंग जो है ये बहुत पतली है, ये गलत है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी जब भी हम एक ग्लास का ड्राइंग करेंगे, मैं और एक पेपर इसको उल्टा कर लेता हूँ, ये इसी का ऊपर बता देता हूँ मैं कि कंधे को क्या करना है, क्योंकि आपको ये ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। हमने ये ग्लास बना है, एक भाग ये बना बन गया, इक्वल हो गया, और एक पार्ट मैंने नीचे ले लिया, उतना ले लिया, और इसको देखना है कि सेंटर में, सेंटर लाइन अगर डालता हूँ ये दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए, नहीं तो क्या होगी ये कहीं इधर ना भाग जाए। तो ये एक बन गया, मैंने फिर क्या कहा था कि इसको और एक नीचे हम लेंगे सेम, ये जितना बनाया है उतना लेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा किस लिए ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये बॉडी का पार्ट है, ये अंडर गारमेंट है, इसको बाद में बनाएंगे, पहले हम हेड बनाएंगे, और हेड बनेगा इसका आधा, रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसका आधा। सर जो है अंडाकार होता है, गोला नहीं होता, तो आपको इतनी बड़ी सर ऊपर जोड़ देना है, इतनी बड़ी आप यहाँ से मार्क कर सकते हो, इतना मार्क कर सकते हो, और इसको अंडाकार बना सकते हो। ये मैं आधा कर रहा हूँ ताकि आपको इक्वल पता चल जाए कि दोनों तरफ से हम बराबर कर रहे हैं। ये हो गया, और ये गला लग गया, गला कान के पास लगता है, और उसके बाद हम इसको कंधा बनाएंगे। यहाँ से जस्ट राउंड किए, यहाँ से राउंड किए, और यहाँ ले आधा तक हमें लाना है, यहाँ तक लाना है, सर जहाँ तक बना है, ये हाथ मैंने बना दिया। इसको मैं बाद में और एक बार बताऊंगा।
अभी ये हो गया, अभी हमें क्या करना है, इतना चेहरे का आधा यहाँ लेना है और यहाँ एक गिलास ड्रॉ करना है। यहाँ चेहरे का आधा मैंने ले लिया, सेम जितना बड़ा गिलास हम यहाँ बनाए थे उतना बड़ा गिलास हम यहाँ बना देंगे। इसको 2-4 बार 6 बार करने के बाद आपको ये लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद इसको कर लेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये ह्यूमन फिगर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसमें हमें पूरा एनाटॉमी स्टडी करना पड़ता है, लेकिन मैं आपके लिए ये एनाटॉमी वगैरह को छोड़ के मैं आपको इजी मेथड से बता रहा हूँ, जो ये मेरा मेथड है। ये इसको फिर मैंने सीधा कर लिया, इसको जोड़ लिया। अभी क्या करना है, यहाँ से ये मैंने आपको बताया था ये जो पार्ट है ये हमारा अंडरगारमेंट का पार्ट है, तो यहाँ से हमारा पाँव आएगी, तो पाँव को आप मार्क कर लीजिए दोनों बराबर, और यहाँ से हम जोड़ेंगे इसको और यहाँ जोड़ देंगे इसको, तो ये बन गया हमारा ह्यूमन फिगर। और इसको हम क्या करेंगे, करेक्शन थोड़ा सा करेंगे। अभी ये कमर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और नीज़ जो है कमर से लेके ये जो भाग बनी है यहाँ तक जहाँ से पाँव शुरू होती है उसका बिल्कुल सेंटर में आता है, यहाँ नी आ गया, यहाँ नी बन जाएगा, यहाँ नी बन जाएगी, और हम यहाँ इसको फिर से करेक्शन थोड़ा सा करेंगे, बॉडी को थोड़ा सा यहाँ लाएंगे और कमर में जोड़ देंगे थोड़ा सा दबा के, ताकि ये तो ग्लास का ड्राइंग है ना, ये कमर का ड्राइंग नहीं है, तो अभी इसको हम करेक्शन करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ ऐसे जोड़ देंगे। अगर लड़की होगी तो ये और थोड़ा सा चौड़ा होगा, ये मर्द का बन रहा है तो ये इतना ही रहेगा, और ये हो गया। अभी इसको हम और कर सकते हैं, ये तो ग्लास का ऊपर ड्राइंग है, हम इसको घुटना का गोला बनाएंगे, मैं अगले ड्राइंग में मैं बताता हूँ, फिलहाल ये बन गया। और आपको ये मैंने बताया था कि ये जो हाथ है, हाथ का लेंथ कहाँ तक आता है, ये घुटना और कमर, कमर का ड्राइंग ये है, तो यहाँ तक आती है हाथ, बिल्कुल इसका बेस तक, अब खड़े होकर चेक कर सकते हो। ये हो गया हाथ, यहाँ तक आती, यहाँ से लेके यहाँ, ये सॉरी कंधा, कंधा तक। ओके अभी कोहनी जो है वो कहाँ आएगा, अभी इसमें पाम को छोड़ना है हमें, फिर रिस्ट से लेके अपना शोल्डर तक बचेगा। अभी ये जो है सर है, आप हाथ रख के चिन में हाथ रख सकते हो, ये वाली भाग चिन में रख के ये कहाँ पहुँचता है देखिएगा, ज़रूर आपका ये बाल तक पहुँचेगी, और इतना बड़ा हमें हाथ मिल गया, मतलब हाथ का साइज ये हो गया, तो इतना साइज हमें यहाँ छोड़ देना है, इतना छोड़ देना है, और ये मैं यूँ बना लेता हूँ, ये हाथ बन गया, ये हाथ बन गया मान लीजिए, तो ये बाकी रह गया ये कंधा से लेके यहाँ तक और इसका बिल्कुल सेंटर में, तो ये जो कोहनी है और यहाँ से कंधे से कोहनी, कोहनी से रिस्ट तक इक्वल होता है, तो अभी ये यहाँ बन गया कोहनी और ये बन गया हाथ, और ये हाथ थोड़ा सा बड़ा हो गया था, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, तो अभी आपको ये पता चल गया कि ये हाथ इतना बड़ा होता है। तो दूसरा सेम इसका सामने ले आओ यहाँ, और ये कोहनी तो यहाँ ही बना है, नाभि के आसपास बना है, और यहाँ से फिर से यहाँ तक ले आओ, ये बिल्कुल ये मुझे पता है यहाँ तक आ रहा है, फिर हाथ यहाँ बन गया, तो ये इजी है, इजी मेथड है। अभी पाँव का मैंने बताया था उसको रिपीट कर रहा हूँ, सेम गिलास आपको बनाना है लेकिन छोटा बनाना है, सामने से देखेंगे अगर ये फ्रंट व्यू है तो ये भी ऐसा दिखेगा, साइड व्यू में अलग दिखेगा, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ और से, और ये था जो हमारा बड़ी उंगली थंब है और ये छोटी उंगली है, तो ये इस तरह से यहाँ सीधा कर लेंगे और ऐसा कर लेंगे, सेम यहाँ ऐसे घुमाएंगे और ये इसको मोटी कर देंगे और 4 भाग में डिवाइड कर देंगे, मोटी से पतले, ये पहले मोटी फिर छोटे छोटे, तो ये हो गया अपना पाँव। इसको इसका डिटेल ड्राइंग हम आगे वाले पेपर में जो करने वाला उसको देखेंगे कि इसको हम डिटेल कैसे करेंगे, तो अभी तक जो हमें सीखने में आया तो हम यहाँ आराम से कर सकते हैं, सर से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह से इसका प्रोपोर्शन रहता है, तो अगर एक सर से आप शुरू करते हो, पहले अंडा बना लीजिए, ये अंडा बन गया, और यहाँ कान जोड़ दीजिए ज़रा, क्योंकि कान जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका ये कितनी बड़ी होगी गर्दन, फिर ये गर्दन बन गया, इसका हाइट 1/4 मैंने बताया था, चेहरे के 1/4, 1/4 यहाँ से यहाँ बन गया, इतना यहाँ से यहाँ बन गया, ये हो गया। अभी गिलास का हमें याद रखना है, अभी मुझे याद था, तो ये जो गिलास है ये उल्टी वाली गिलास है, मैं उसी हिसाब से बना देता हूँ यहाँ,
यहाँ गिलास बना दिया, ये जितना बनाया इसका डबल मैंने बना दिया इधर, और ये दोगुना हो गया, ये एक और ये दो यहाँ तक बन गया। अब फिर हम कंधा बना देंगे, कंधा रात बन गया। फिर मैं इतना छोड़ दिया, आधा छोड़ दिया, इतना यहाँ छोड़ दिया, फिर यहाँ से इतना लेना है, यहाँ से इतना लेना है। आप आराम से इसको, थोड़ा लंबा हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से अभी मैं इसको यूँ और यूँ खींच लेता हूँ। ओके, तो ये हो गया, पाँव बन गया इसका, और ये हाथ मुझे पता है, घुटना, हाथ घुटना यहाँ, हाथ यहाँ, और ये मैंने पाम के लिए छोड़ दिया, और ये मैं हाथ बना दिया। तो ये हम आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और करेंगे। मैं इसके लिए पेज बदल लेता हूँ। अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे। मुझे याद है, ग्लास का ड्राइंग याद है, तो मैं पहले एक सर ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया। मैं इसका कान ड्रॉ करता हूँ, आपको पता है कान कहाँ से आता है, मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूँ। और ये गला बन गया 1/4, एक तो इतना बड़ा गला हो गया, यहाँ से यहाँ ये गला बन चुका है। और ये आ गया कंधा, आप उसको ग्लास के हिसाब से भी याद रख सकते हो। इसको इतना और लेना है, एक सर और ये इतना लेना है, दोनों बराबर होना चाहिए, इतना लेना है। फिर मैं सीधा सीधा इसका शर्ट बना दिया, और यहाँ से मैं दो गुना, एक और दो, दो गुना, मैं ये सर का एक गुना, एक भाग, ये दो भाग, ये बन गया। और नीचे मैंने आधा छोड़ा है, ये आधा जो है यहाँ से यहाँ, ये आधा मैं यहाँ तक ले लिया, और नीचे और इतना ड्रॉ करना है जितना अभी हो चुका है, जितना मतलब आप इसको नाप के भी यहाँ तक कर सकते हो। तो यहाँ हो गया। तो अभी हम इसको ये और यहाँ तक मैं बना दिया, और यहाँ से आप, अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे। मैं ये बोला था कमर है, कमर को मैं यहाँ किया, थोड़ा सा दबाया इसको, और थोड़ा सा दबाया, ये बन गया। और यहाँ से हम घुटना बनाएंगे, यहाँ तक बना है, अभी इसका आधा घुटना बनेगा। तो घुटना को हम एक बॉल मान के चलते हैं, घुटना को हम एक बॉल मान के चलेंगे, दोनों बराबर बनाएंगे, और इसको लाके यहाँ जोड़ देंगे, इसको लाके यहाँ जोड़ देंगे, इसको लाके यहाँ जोड़ देंगे, और इसको लाके यहाँ जोड़ देंगे। फिर यहाँ जो है, यहाँ थोड़ी सी मसल्स होती है, उसलिए थोड़ा सा चौड़ा करेंगे, और इसको हम यहाँ और यहाँ, ये भी इसको हम गोल मान के चलते हैं। सेम हम इसको, मैं बाद में डार्क करूँगा, ये ऊपर जो बना है ये पैंट का बना है, ये अंदर शरीर बन रहा है, और ये हो गया। तो इसको अगर मैं डार्कन करता हूँ तो ये बनेगा ऐसे, ये बिल्कुल परफेक्ट ड्राइंग नहीं है, लेकिन ये एक शॉर्टकट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जो भी हमारे बिगिनर्स है उनको भी तो ह्यूमन फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ आगे है सीखने लायक, करने लायक। और ये लड़की अगर होगी तो हम इसको और पतला करेंगे और यूं ले जाएंगे, लड़की अगर होगी तो यूं पतला करेंगे और इसको यूं ले जाएंगे, तो ये लड़की का ड्राइंग हो जाएगा, ये लड़के का ड्राइंग हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ तक ऑलरेडी बना चुका हूँ, पाँव तक। अभी मैं सेम फॉर्मूला, गिलास, और सामने से देख रहे हैं छोटी बनेगी, पहले सीधी लाइन और एक टेढ़ी लाइन, इसको थोड़ा सा चौड़ा करते हैं, ये टेढ़ी लाइन, ये एक सीधी लाइन, और ये उल्टा इस तरफ से जस्ट उल्टा होगा, ये ऐसा है और ये इस तरफ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आमने सामने होती है। फिर ये उस तरह से है, ये जिस तरह जा रहा है उसे, और ये बड़ी उंगली और थोड़ी मोटी, छोटी और छोटी, ये बन गया। इसको अगर मैं डार्क करता हूँ, ये इसको थोड़ा सा गोल गोल कर देंगे, इसको मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। और ये आपको पता है हाथ यहाँ तक आएगा, वेस्ट है यहाँ, कमर, और ये, और अपने बाल निकाल दिए,
यहाँ से, और पाम बन गया इतना बड़ी, और यहाँ मैं थंब बना देता हूँ, और ये क्लोज हैंड, और ये कंधा यहाँ आ गया हमारा, यहाँ से लेके कंधा, कंधा का आधा ये बन गया, और ये हो गया, और ये हो गया हाथ, और ये बन गया हाथ। तो ये आपको ये वाली ड्राइंग समझ में आ गया होगा। मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आंख नाक कान मुंह किस तरह से बनता है, उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ। एक किस तरफ बन गया तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा भी कहाँ तक बनाना है, यहाँ तक वेस्ट बनाना है, और ये तो ये बन गई। इसमें शॉर्ट वर्ड जो बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये सबसे सरल और इजी मेथड है, आपको सिर्फ याद रखना है कि ये हाथ कितनी बड़ी है, कहाँ तक पहुँचती है, और किस तरह से हमें बनाना है, और ये आसान है। तो मैं इसको और एक ड्राइंग करता हूँ बिना नापी के, क्योंकि मुझे ये पता है कि किस तरह से दिखता है, तो मैं आराम से बिना नापी के, कान भी नहीं बनाया लेकिन मेरे को पता है कि गर्दन गला कितना होता है और ये कैसे बनता है। साइड वाले फिगर भी हम बना लेंगे, और एक वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो उसको करके देखते हैं। तो ये मुझे पता है तो मैं आराम से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखिए ये फटाफट बन गया। ये शर्ट पैंट बनाने के बाद बचता क्या है, सिर्फ बचता है आपका यहाँ से यहाँ हाथ बनाना है और पाँव, पाँव बन गया है उसका, नीचे जो बचता है ये वाली भाग, ये वाली भाग बच जाता है। तो ये आराम से हम बना सकते हैं। तो साइड में मैंने बताया था साइड का फिगर जो है थोड़ी सी पतली रहेगी, पतली मैंने बताया था, और ये मान के चले कि ये तीन तीन गुना है इसका, तो ये जितना बनाए इसका 3 गुना ये होना चाहिए, और हम इतना इतना वाली भाग एक्स्ट्रा, ये कटोरा वाला मेथड मैंने बताया था, इतना रखना है, और सर जो है बिल्कुल पीछे, गला जो है पीछे, कंधे का पीछे, बैक का आसपास बनेगा। फिर इतना पार्ट हमें सर जो बनाते हैं इसका आधा है सर, इतना तो पता ही है सबको, और ये गला जो है ये इसका लाइन में आएगा, ये अभी बन गया, और नीचे और उतना बनाना है, अभी जितना ये बना है कमर बना है, और इतना नीचे हम बना लेंगे, अंदाजन आप बना सकते हो, और ये बन गया ये, और पीछे वाले पाँव अगर थोड़ा सा दिखेगा तो आप इसको यूं बना सकते हो। कंधा एग्जैक्टली यहाँ होता है गले का पास, और आप इसका हाथ को मैं आपको बता चुका हूँ हाथ कितना बड़ा बनेगा, ये कमर है, ये यहाँ तक बन गया, इसका आधा में घुटना आएगा, ये इसका आधा तक हाथ आएगा, तो अभी मुझे पता चल जाएगा ये हो गया आधा, और यहाँ से यहाँ ये हो गया आधा। अभी इसका ऊपर आप आराम से हाथ बना सकते हो, एक छोटी गोला बड़ी गोला, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, और इसको जोड़ दिया, अभी ये बन गया हाथ। और इसको ये वाली ड्राइंग जो चेहरे का जो ड्राइंग है इसको आप फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा, और ये फेस जितनी बड़ी है पाँव हमारा उतनी बड़ी होती है, तो इतना बड़ा मैंने ले लिया, और ये हो गया, ये पाँव दूसरी आधा दिखेगा, और ये हाथ जो है मैं आपको बताया था हाथ पाम अगर खुली है तो इतनी बड़ी बनेगी, और बंद है तो छोटी होगी। तो ये बन गया यूं, और इसको छाती को हम थोड़ा सा यूं लेंगे, और शर्ट है तो शर्ट थोड़ा सा ढीला हो सकता है, और इसको यूं लेंगे और इसको यूं घुमा लिए, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा, और ये वाले लाइन को मिटा देना है हमें, शर्ट वर्ट बनाना है तो शर्ट बना दीजिए आप, और मैं ये लाइन मिटा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आउटलाइन को डार्क कर रहा हूँ, और इससे आपको पता है। ये मान लीजिए दूसरा हाथ है, दूसरा हाथ अपोजिट साइड में उतना ही बड़ा बनेगा ये जितना बड़ा, और ये इतना बड़ा, मान लीजिए ये ऐसा है तो हम इसको पीछे कुछ छिप गया है, और ये लाइन यहाँ से आएगी, और यहाँ से हम पहले वाले हाथ जितने पतली बनाए हैं
उतना कर लेंगे। तो इसको अगर मैं डार्क करता हूँ तो ये यूं बनेगा, ये यूं बनेगा। शर्ट हम यहाँ बना देंगे और ये इस तरह से बन गया। तो ये बहुत इजी है, इसको अगर लड़की बनाना है तो हम इसको इसका ऊपर थोड़ा सा ये जोड़ देंगे और ये आपको ये वाली भाग जो है इसको मिटाना है बाद में। ये बन गई लड़की, और ऊपर आप जो पहनाना चाहो आप पहना सकते हो। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका था इंसान बनाने के लिए। इसका पोजेस के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ और जिन्होंने देखे हैं उनको पता होगा। और रिक्वेस्ट है कि इसको आप ध्यान से देखिए, ज़रूरी है समझिए। ये सबसे आसान तरीका इंसान बनाने का लिए मैं जो भी बताया, ये सबसे आसान और इसको सिंप्लीफाई करके बताया हूँ। और जो भी बिगिनर्स है उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी ड्राइंग करने में। एक बार ये तारा याद आ जाए तो आराम से कोई बिना ये मेज़रमेंट डाले या ड्रॉ किए ऐसे सीधे सीधे ड्राइंग कर सकते हैं। तो इसको कुछ भी पोज आप बना लीजिए, कोई लकड़ी काट रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ सर पे उठा के जा रहा है, कुछ भी बन सकता है। तो उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा। इससे पहले मैंने एक एग्जीबिशन का वीडियो डाला था, पेंटिंग एग्जीबिशन का, जिसमें मेरा पेंटिंग है। और ये एग्जीबिशन आगे बनारस में हो रहा है 24 तारीख को, फिर दिल्ली में होगा। ये करीब 8 जगह एग्जीबिशन हुआ है, हर एक में मैं पार्टिसिपेट किया हूँ। नेशनल एग्जीबिशन है, आप देखिएगा ज़रूर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ तकलीफ़ हो रही है। तो मैं इसको और धीरे धीरे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लाना चाहता क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए वीडियोस है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।